एंग्लो इंडियन न्यूज सच के तहत। दर्शकों नमस्कार, खबर उन्नाव उत्तर प्रदेश से, जहां ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बीते दिन करीब 6 बजे क्षेत्राधिकारी बीघापुर में थाना बीघापुर पुलिस व क्राइम ब्रांच टीम के साथ चोरों और लुटेरों की सुरागपस्ती कर रहे थे। तभी मुखबिर की सूचना पर बीघापुर रेलवे स्टेशन के आगे रेलवे क्रॉसिंग गेट के पास चमियानी रोड पर चमियानी की तरफ से आते हुए बदमाशों से पुलिस टीम की मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाश मुठभेड़ में घायल हो गए और 1 बदमाश मौके से बिना नंबर की मोटरसाइकिल से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। मुठभेड़ में घायल उक्त दोनों बदमाशों की पहचान क्रमशः चंद्रकेश एवं अमरेश निवासीगण प्रतापगढ़ के रूप में हुई है, जिन्होंने पूछताछ के दौरान थाना अचनगंज में 45,000 रुपये की लूट और थाना बीघापुर में बीते 20 सितंबर को 40,000 की लूट कारित करना स्वीकार किया है और उनके कब्जे से लूट के 13,500 रुपये बरामद भी किए हुए हैं। साथ ही 2 तमंचा 315 बोर, 2 खोखा कारतूस 315 बोर, 1 मिश्र कारतूस 315 बोर एवं 2 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुए हैं। मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए दोनों घायलों को 100 बेड अस्पताल बीघापुर में प्राथमिक उपचार हेतु भर्ती कराया गया एवं अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। आइए जानें संबंधित अधिकारी ने क्या कुछ बताया। उन्नाव उत्तर प्रदेश से संवाददाता इरफान खान की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पार्टनर विद नवीक समाचार दैनिक। आज दिनांक 28/9/24 को समय करीब 6:20 थाना बीघापुर पुलिस एवं क्राइम ब्रांच की टीम के साथ चोरों एवं लुटेरों की सुरागसी पतारसी की जा रही थी। तभी मुखबिर की सूचना पर बीघापुर रेलवे क्रॉसिंग गेट के पास चमियानी रोड पर बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाश मुठभेड़ में घायल हो गए तथा 1 बदमाश मौके का फायदा उठाकर मोटरसाइकिल से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। घायल बदमाशों ने पूछताछ के दौरान थाना अचलगंज में हुई लूट एवं बीघापुर में हुई 20/9/24 की लूट को स्वीकार किया है, जिनके कब्जे से लूट के 13,500 रुपये मौके से बरामद हुए हैं। साथ में 2 तमंचा 315 बोर, 2 खोखा कारतूस और 1 मिश्र कारतूस और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। बदमाशों के नाम क्रमशः चंद्रकेश व अमरेश निवासी प्रतापगढ़ बताया गया है। घायलों को प्राथमिक उपचार हेतु CSC बीघापुर में एडमिट कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।